अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। सो टुडे आई एम शेयर विद यू अनदर रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर ड्राई स्किन। अच्छा, तो आज की वीडियो कंप्लीट डिटेल वीडियो होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर ड्राई स्किन टाइप्स के लिए। हाँ, तो समर हो या विंटर, बट विंटर में तो ड्राई स्किन की और ज्यादा एक्सट्रीमली ड्राई स्किन हो जाती है और आफ्टर बायकॉट भी काफी मुश्किल हो गया है अपने ब्रांड्स में से ही प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना देन परचेज करना। तो देयर इज अ मोस्ट डिमांडिंग वीडियो और विंटर इज कमिंग है, तो मैंने सोचा कि नाउ इज द टाइम की वीडियो को बनाया जाए। अच्छा, तो ये सारे प्रोडक्ट्स एक साथ आप लोगों ने यूज नहीं करना, इनमें से कुछ ऑप्शनल भी हैं जो कि अच्छे हैं और कुछ कम अच्छे हैं, तो वो सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लीज एंड तक लास्ट में देखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर 5K सब्सक्राइबर्स। मैंने प्रॉमिस किया था कि अपना फर्स्ट गिव अवे करूंगी सब्सक्राइबर्स के लिए, तो उसकी डिटेल मैं एंड में बताऊंगी, पहले वीडियो की डिटेल बता देती हूँ। आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दूं। ड्राई स्किन टाइप्स में भी कैटेगरीज होती है, नॉर्मल टू ड्राई, ड्राई सेंसिटिव, ड्राई कॉम्बिनेशन, ड्राई फ्लेकी, ड्राई एक्जिमा प्रोन एंड ड्राई एक्ने प्रोन प्लस सेंसिटिव स्किन टाइप्स। और ड्राई स्किन पर ये इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेलोरॉनिक एसिड, वाइटामिन सी, मैंडेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, नियासिनामाइड, ड्राइड एक्सट्रैक्ट्स, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स एंड सेरामाइड्स। यूज करने को तो बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है और इनको किस तरह से मैनेज करना है। सो लेट्स जंप टू द टॉपिक। रिसेंटली मैंने कम्युनिटी सेक्शन में पोल ऐड किया था, जिससे मुझे पता चला कि सब्सक्राइबर्स को ड्राई स्किन में कौन से फेस वॉशेस पसंद है, तो वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूं। अच्छा, तो स्किन केयर रूटीन का फर्स्ट स्टेप होता है फेस वॉश, जिसे हम फेस क्लेंजर भी कहते हैं। और यहाँ पर मेरे पास कुछ फेस वॉशेस हैं और कुछ फेस वॉशेस के मैं नेम भी बताने वाली हूँ। इन अफोर्डेबल प्राइसेस में सईद कनी की रेंज में से मेरे पास है सईद कनी का विटामिन सी फेस वॉश, ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग। ये आफ्टर फेस वॉश पीएच को मेंटेन रखता है, जेंटल है और इसमें विटामिन सी के साथ साथ नियासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड भी इंक्लूड है। और अब तो ये 250 की छोटी पैकेजिंग में भी मिल जाता है। ये नॉर्मल टू ड्राई, ड्राई कॉम्बिनेशन के लिए अच्छा है, बट सम टाइम समर में किसी किसी को सुटेबल नहीं हो पाता, मे बी वेदर या बॉडी में चेंजेस की वजह से या विटामिन सी या सैलिसिलिक एसिड की वजह से भी हो सकता है, बट विंटर के लिए अच्छा है। इसके अलावा सईद कनी के 200 की प्राइसेस में और भी फेस वॉश है, गोट मिल्क फेस वॉश एंड रोज फेस वॉश, ये भी जेंटल फेस वॉश है जस्ट फॉर नॉर्मल टू ड्राई। और आप 300 की प्राइसेस में हिमालय का ये वाला मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश नॉर्मल टू ड्राई स्किन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज को नेचुरल ट्री ट्री नीम फेस वॉश, ये भी पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है, जेंटल है, इवन के इसे ड्राई स्किन टाइप्स भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी एक्नी को अच्छे से हील करता है। आप को नेचुरल का ही रोज फेस वॉश भी यूज कर सकते हो, काफी हाइड्रेटिंग है और नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप्स के लिए अच्छा है। नेक्स्ट इज जैन फार्म का मैंडेलिक एसिड फेस वॉश क्लेंजर, ये मेरे पास इनका ओल्ड फेस वॉश है, मैंने इसे खत्म कर लिया था, बट इनका न्यू है जिसमें सिर्फ क्वांटिटी का फर्क है, बाकी सब सेम चीज है। समटाइम्स सैलिसिलिक एसिड ड्राई स्किन पर थोड़ा सा ऑयल कंट्रोल सा हो जाता है, बट मैंडेलिक एसिड काफी जेंटल रहता है ड्राई स्किन पर, तो ये ड्राई एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन के लिए एक अच्छी प्रोडक्ट है। इसके अलावा आप जैन फार्म का मैक्सी फेस वॉश भी ड्राई डल स्किन के लिए यूज कर सकते हो। और जैन फार्म का ही डर्माइट मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश फॉर नॉर्मल टू ड्राई, ड्राई फ्लेकी या सेंसिटिव स्किन टाइप्स वाले भी यूज कर सकते हैं, काफी हाइड्रेटिंग फेस वॉश है। सैफ्रन का सैफ्रिडम स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड इंक्लूड है, जेंटल है, गुड है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सैफ्रन का ही एक्नी स्वाइप फेस वॉश गुड है नॉर्मल टू ड्राई, एक्नी प्रोन सेंसिटिव स्किन टाइप्स के लिए। डर्मेक्सिल फेस वॉश जेंटल है, गुड फॉर ड्राई सेंसिटिव स्किन टाइप। मेटाफिल क्लेंजर भी गुड फॉर नॉर्मल टू ड्राई, फ्लेकी स्किन, एक्जिमा प्रोन स्किन के लिए अच्छा है क्योंकि काफी हाइड्रेटिंग है। बीएनबी का राइस फेस वॉश एंड ब्यूटीफाई बाय आमना के ये तीनों फेस वॉश हाइड्रेटिंग है, गुड फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप्स। और आप सिंपल का भी फेस वॉश यूज कर सकते हो नॉर्मल टू ड्राई, सेंसिटिव, एक्ने प्रोन स्किन टाइप्स। ये सारे फेस वॉशेस अपनी कैटेगरीज में अच्छे हैं, जेंटल हैं, पीएच बैलेंस को मेंटेन रखते हैं और आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो इनमें से। नेक्स्ट होता है क्लेंजर, जिसे हम फेशियल में या वीक में 2-3 दफा हमें जरूर यूज करना चाहिए। तो मेरे पास है डर्माकॉस का हेक्सागोनल क्लेंजर विच इज टू गुड, ये ड्राई स्किन की ऑल द कैटेगरीज के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छे से डेड स्किन सेल, डेड इम्प्योरिटीज या मेकअप वगैरह को, एक्ने के इशू को भी काफी अच्छे से डील कर लेता है। आजकल तो ओल्ड क्लेंजर्स का फैशन चल चुका है, बट उससे पहले यही यूज करते थे। नेक्स्ट है टोनर, अगर आप लोग फेस वॉश जो है वो हाई पीएच भी यूज कर रहे हो, क्योंकि टोनर जो है वो पीएच मेंटेन रखता है, तो मेरे पास है सईद कनी का रोज वाटर, ये सबसे ज्यादा बेसिक प्रोडक्ट है एज अ टोनर स्किन को हेल्दी रखने के लिए। और आजकल राइस टोनर का बहुत ही फैशन है, तो आप लोग बायो एक्वा का ये वाला मॉइस्चराइजिंग राइस टोनर अंडर 450 की प्राइसेस में परचेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, मॉइस्चराइजिंग है, हेल्दी है स्किन के लिए विद नो साइड इफेक्ट। नेक्स्ट है मॉइस्चराइजर का पार्ट, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप्स, यूज सईद कनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, अंडर 350 की प्राइसेस में मिल जाती है, बहुत अच्छी है, नो हार्मफुल केमिकल और इसे टीनेज भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये है नेक्स्ट वन की सॉफ्ट क्रीम, बहुत ही हाइड्रेटिंग क्रीम है, लाइक निविया के सॉफ्ट क्रीम मॉइस्चराइजर की तरह, आप इसे उसके एज अल्टरनेट भी यूज कर सकते हो, गुड फॉर बेबीज एंड नॉर्मल टू ड्राई, जिन्हें बिल्कुल भी एक्ने का इशू नहीं है। इसकी रियल प्राइसेस आई थिंक 450 है, दराज सेल में 400 की भी मिल जाती है। नेक्स्ट है ग्लो एंड लवली की हाइड्रा ग्लो क्रीम मॉइस्चराइजर, इसकी रियल प्राइसेस 500 है और सेल में ये 450 की भी मिल जाती है दराज से।
अगर आपकी ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन है सो यू कैन यूज दिस, क्योंकि ये एक्सट्रीमली लाइट वेट है बट हाइड्रेटिंग है, आपको सटल सा ग्लो देती है। नेक्स्ट है जर्न फार्म का डर्माइफ ऑल फ्री मॉइस्चराइजर, बेस्ट फ्रेंड ऑफ ड्राई स्किन टाइप। ये ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, नो मैटर आपकी ड्राई स्किन में जो भी कैटेगरी हो सब पर सुटेबल जाता है। इसके रॉयल प्राइजेस 100,000 rupees के अराउंड है, दराज पर 780 के सेल प्राइजेस में मिल जाता है। और जर्न फार्म का डर्माइफ सेंसिटिव मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई फ्लेकी एक्जिमा प्रॉन सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए। मेटाफेल मॉइस्चराइजिंग क्रीम गुड फॉर ड्राई फ्लेकी एक्जिमा प्रॉन स्किन टाइप, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग है लाइक वेजलिन। अगर आपकी बॉडी पर हल्की सी ड्राइनेस रहती है तो सैफ्रिन का ये वाला डर्मैक्सिल मॉइस्चराइजर अच्छा है। और फेस के लिए इनका डर्मैक्सिल अल्ट्रा मॉइस्चराइजर अच्छा है फॉर नॉर्मल टू ड्राई प्लस सेंसिटिव स्किन टाइप। आप अंडर 450 की अफोर्डेबल प्राइसेस में एलमोर की मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज कर सकते हो फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप। सब मॉइस्चराइजर अपनी अपनी कैटेगरीज में अच्छे हैं, आप लोग अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर्स को परचेज कर लो। नेक्स्ट है सनब्लॉक, और सनब्लॉक है हमारे पास न्यूब्रेला सनस्क्रीन SPF 60। ये ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसकी प्राइस 800 है और समटाइम्स दराज से ये 650 का भी मिल जाता है सेल प्राइसेस में। और अफोर्डेबल सनब्लॉक में आप लोग कंप्लीट प्रोडक्शन में यूविल 4 सनब्लॉक यूज कर सकते हो, ये ड्राई स्किन के लिए अच्छा है। अब आपकी स्किन केयर के 3 steps कंप्लीट हो चुके हैं और सीरम्स का पार्ट जो है वो ऑप्शनल होता है, कुछ लोग यूज करते हैं कुछ लोग नहीं। कुछ लोग विटामिन सी यूज करते हैं फॉर डल स्किन एंड ग्लोइंग स्किन के लिए, और कुछ लोग हाइलुरोनिक एसिड यूज करते हैं फॉर हाइड्रेशन और ड्राई स्किन के लिए, तो ये इंग्रेडिएंट आइडियल है। ड्राई स्किन टेस्ट में जिन्होंने सही तरीके का विटामिन सी सीरम ले लिया है वो लोग इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है और काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग है। बट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसके प्राइसेस काफी हाई है, तो जब ये लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता। और राइस प्रोडक्ट तो काफी ट्रेंडिंग है, तो आप लोग बायो एक्वा का राइस प्लस हाइलुरोनिक एसिड एसेंस सीरम यूज कर सकते हो, 300 की प्राइस में आपको मिल जाता है दराज से। अपनी स्किन को एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देने के लिए या स्किन को हेल्दी रखने के लिए आप लोग वीक में 1-2 दफा मास्क जरूर अप्लाई कर लिया करो। मेरे पास है ये बायो एक्वा का शीट मास्क विटामिन सी ब्राइटनिंग शीट मास्क, ये 100 rupees की प्राइस में आपको मिल जाता है और स्किन को बिल्कुल सूथिंग इफेक्ट दे देता है, मॉइस्चराइजिंग कर देता है, इवन के आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को भी रिमूव कर देता है। कोरियन स्किन ब्रांड में भी वो लोग शीट मास्क काफी यूज करते हैं, इसी वजह से उनकी स्किन इतनी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग ग्लोइंग रहती है। अब सब चीजों का ख्याल रख ही रहे हैं तो लिप्स का ख्याल भी रखना जरूरी है। यह है मेरे पास बायो एक्वा की लिप पाम, ये 150 की प्राइसेस में आपको दराज से मिल जाती है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आई रियली लाइक इट। नेक्स्ट है मेरे पास मदर केयर की बेबी वाइप्स, इसमें आपको 120 की प्राइसेस में 25 पीस मिलते हैं। ड्राई स्किन के लिए मेकअप रिमूव सनस्क्रीन या डर्ट पॉल्यूशन रिमूव करने के लिए माइसेलर वाटर एक अच्छा ऑप्शन रहता है, तो आप लोग गार्नियर की जगह विंसे का माइसेलर वाटर यूज कर सकते हो। और अगर कोई कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता वो सिंपली बेबी वाइप्स यूज कर सकते हैं, ये अल्कोहल फ्री है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट से विद विटामिन ई, बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइजिंग है, आपके फेस को ड्राई नहीं करती है। ये स्टेप मस्ट है फॉर एक्नी और पिंपल के लिए, अगर आपकी स्किन जो भी है तो आप लोग एक एक्टिव जरूर रखो। मेरे पास है ये एक्सोल्ट लोशन 1% क्लिंडामाइसिन, ये आपको 175 की प्राइसेस में मिल जाता है। आप सिंपली इसे अपनी स्किन केयर करने के बाद अपने एक्नी पिंपल डार्क स्पॉट्स पे अप्लाई कर लिया करो, इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, बेसिक सी प्रोडक्ट है लाइट सी। अब फेस का तो कर लिया ख्याल, बट हाथ और पैरों का भी ख्याल कर लेना है। तो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको सईद कनी की फुट एंड हैंड क्रीम मिल जाती है, ये 180 ग्राम आपको सेल में अंडर 450 की प्राइसेस में मिल जाएगा, एंड ऑल्सो गुड फॉर क्रैक हील्स। और आप लोग देख लो कि मैंने इसे कितना खत्म कर लिया, ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, आपके हाथ और पैरों को मॉइस्चराइजिंग रखने के लिए लाइट वेट है। ड्राई स्किन के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में बॉडी लोशन तो बनता है, तो मेरे पास है सईद कनी का शिया बटर बॉडी लोशन, ये आपको आई थिंक 250 की प्राइसेस में मिल जाता है और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड स्मेल्स सो गुड, आई रियली लाइक इट। और 250 की अफोर्डेबल प्राइसेस में रिवाज के अभी न्यूली लॉन्च है बॉडी लोशन सकूरा और कोकोआ बटर वेरिएंट, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, प्लीज ट्राई। तो प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग जितना मैंने सर्च किया, यूज किया, ऑब्जर्व किया, वो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर दिया। और अफोर्डेबल प्राइसेस में आप लोग दराज से राइज स्किन केयर बंडल बायो एक्वा का फ्लैगशिप स्टोर है, वहां से परचेज कर सकते हो। इसमें आपको 2 टाइप्स के बंडल मिलते हैं, जिसमें सीरम क्रीम मास्क क्लेंजर टोनर लोशन ये सब चीजें मिल जाती हैं, आप इन्हें सेपरेट अलग से भी बाय कर सकते हो। आजकल जो राइज स्ट्रैक्स स्किन केयर प्रोडक्ट्स चल रहे हैं वो स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बेस्ट होते हैं। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप लोग देख लेना। एंड प्लीज वेट, इट्स अ गिव अवे टाइम। अब जितनी मेहनत मैंने की और आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो 5K सब्सक्राइबर्स की खुशी में आप लोगों के लिए गिव अवे तो बनता है। अच्छा, तो किसी एक लकी विनर को ये सब कुछ मिलने वाला है। इसमें है जेन फार्म की डर्माइफ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, मिस रोज फाउंडेशन, एनस्टेट और इयररिंग्स, कोरियन स्टाइल ट्रेंडिंग ज्वेलरी, एंड जे डॉट अनस्टेज 2-piece कैमरिक सूट विद एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर। इसको विन करने के लिए सिंपली आपने कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, सब्सक्राइब माई चैनल शाइन विद सामिया एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम सामिया, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लाइक एंड कॉमेंट्स माई रिसेंट YT वीडियो, और ये सब कुछ ऑनेस्टी के साथ कर लो तो मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डन लिख देना। और गिव अवे विनर मैं अनाउंस करूंगी 31 अक्टूबर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर विद यूजर नेम, और वहां पर आप मुझे अपनी डिटेल्स इनबॉक्स कर दीजिएगा ताकि मैं आपका गिफ्ट डिस्पैच करा दूं। गिव अवे विनर यहां पाकिस्तान में से ही होगा, और गर्ल्स के साथ साथ बॉयज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी मदर को दे दें, अपनी सिस्टर या वाइफ को दे दें गिफ्ट। गिव अवे डिटेल्स मैं कम्युनिटी सेक्शन में भी ऐड कर रही हूं, प्लीज डू चेक, एंड बेस्ट ऑफ लक, होप यू लाइक ऑल द डिटेल। माय यूट्यूब फैमिली लव यू, बाय बाय, टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट वीडियो।